निवाड़ी जिले के किशोरपुरा गांव में शराबबंदी को लेकर लिया गया ऐतिहासिक फैसला। ग्राम पंचायत ने सर्वसम्मति से गांव में शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध लगा दिया है। इस फैसले के उल्लंघन करने पर भारी जुर्माना भी लगाया जाएगा। गांव के अंदर कोई भी व्यक्ति कच्ची या पक्की शराब नहीं बेचेगा। गांव में जो भी व्यक्ति शराब बेचने का काम करते थे, उन्होंने भी भगवान को साक्षी मानकर कसम ली है और उन्होंने भी कहा है कि मैं अपने जीवन पर्यंत कभी शराब की बिक्री नहीं करूंगा। और पंचायत ने ये भी निर्णय लिया है कि जो भी व्यक्ति गांव में शराब बेचेगा, उसको 11,000 का अर्थदंड के साथ जुर्माना देना पड़ेगा। दरअसल ये पंचायत का फैसला इसलिए लिया गया है क्योंकि गांव के युवा नशे के आदी होते जा रहे हैं और कुछ व्यक्ति शराब के नशे में धुत होकर घर में बच्चों के साथ मारपीट और गाली गलौज करते हैं, जिससे समाज में दुष्प्रभाव पड़ रहा है। वहीं ग्रामीणों का मानना है कि शराब के कारण ही गांव में अपराध और हिंसा की घटनाएं बढ़ रही हैं। कई सालों से इस गांव में अवैध शराब बनाने और शराब पीकर झगड़ा करने की प्रथा चली आ रही है। इसके चलते गांव की महिलाएं भी पारिवारिक कलह से परेशान थी। वहीं अब गांव में शराबबंदी के फैसले से ग्रामीण भी खुश है। आज सभी महिलाओं और बुजुर्गों ने और युवा साथियों ने साथ मिलकर के जो साथ दिया है और जो निर्णय हुआ है ग्राम पंचायत के अंदर, कोई भी शराब बेचेगा अगर तो 11,000 रुपए का उसको जुर्माना और अर्थदंड से जुर्माना किया जाएगा। साथ ही जो गांव के लोगों ने जो सहयोग किया है उसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आगे भी सामाजिक कुरीतियों को ऐसे ही मिटाने का काम पंचायत में हम लोग करते रहेंगे।